एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए एक्सरसाइजेस और टिप्स को आप फॉलो कर एकदम फिट ही होंगे। सो स्वागत है आपका हमारे चैनल द इरेसिबल फन में, जहां मैं विशाल सिंह रोज कड़ी मेहनत कर आप लोगों के लेके आता हूं ऐसी बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइजेस और टिप्स, जिनसे आप फॉलो कर घर पे फिट बॉडी पा सकेंगे। सो हमारी पिछली वीडियो थी जो फ्रेंड्स, वो बाइसेप्स पे थी। आई होप कि आपने बाइसेप्स का वर्कआउट फॉलो कर लिया होगा और आप घर पर अपने बाइसेप्स बनाने भी लगे होंगे। और फ्रेंड्स, तो 16 का डोला तो बन गया फ्रेंड्स, बट जब तक हमारे ट्राइसेप्स ना हो तो सब कुछ वेस्ट है। सो आज की हमारी वीडियो जो ट्राइसेप्स पर होगी, आपने बहुत से बॉलीवुड स्टार्स बॉडी बिल्डर्स को हाफ टी शर्ट पहनकर बाहर घूमते हुए देखा होगा अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को फ्लॉन्ट करते हुए। सो आइए आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइसेप्स का वर्कआउट, जिनको फॉलो कर आप इजिली घर पर ही अपने ट्राइसेप्स को पंप और फ्लॉन्ट कर सकेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वर्कआउट। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्राइसेप्स का वर्कआउट होगा, जो 4 से 5 वर्कआउट होंगे, पहला होगा हमारा डायमंड पुशअप, सेकंड होगा हमारा बेंच डिप्स, थर्ड होगा हमारा स्कल क्रशर्स, फोर्थ होगा हमारा डबल एंड डंबल्स, एंड लास्ट होगी हमारी किक बैक। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला वर्कआउट। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ये स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। आज जो हमारा ट्राइसेप्स का पहला वर्कआउट होगा वो होंगे हमारे डायमंड पुशअप्स। सो डायमंड पुशअप्स की मैं आपको पोजीशन बताता हूं। पोजीशन क्या रहेगी हमारी इसमें आपकी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आप नीचे फ्लोर पे लेटेंगे, सो जो हाथ है हमारे डायमंड शेप में होंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड थिंग, आपके पैर बिल्कुल पीछे सीधे होने चाहिए, चेस्ट अप, और आपको स्लोली नीचे जाना है और ऊपर। ये जो हमारे बिगनर्स है, अगर इनसे ये नहीं होते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, नीचे अपने घुटने लगा सकते हैं और फिर इजी इसको नीचे जाके स्ट्रेच ऊपर। ब्रीथ इन, नीचे जाएंगे, ब्रीथ आउट, स्ट्रेच, ओके। सो आइए इसकी करते 10 रैप, जो 10 से 12 स्टार्टिंग ही करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10। So, ये थे हमारे डायमंड पुशअप्स। आइए नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं हमारा। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्कआउट होगा ट्राइसेप्स का फ्रेंड्स, वो होगी हमारी बेंच डिप्स। बेंच डिप जैसे उसकी जगह मैंने घर पे चेयर ली है। चेयर के लिए मैं आपको बताता हूँ पोजीशन क्या रहेगी इसका। आपकी कुछ नहीं करना है, आपके दोनों हाथ आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग सीधे होने चाहिए बिल्कुल, और आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट। पैर को जूम भी करते हैं बट सपोर्ट हमें मिल जाता है, हमें सपोर्ट नहीं देना, हमें पूरा हाथों के बल नीचे जाना है। हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चेस्ट अप, और आप ऊपर देखेंगे। जब आप नीचे जाएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे और ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट, स्ट्रेच, ट्राइसेप्स पे स्ट्रेच आएगा पूरा, ठीक है। सो आइए 10 से 12 करेंगे इसके, बिगिनर्स जो है स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं पूरा ट्राइसेप्स पे स्ट्रेच आ रहा है इसमें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 So ये थे हमारे बेंच डिप्स। आइए नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं हमारा। सो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वर्कआउट होगा फ्रेंड्स, वो होंगे हमारे स्कल क्रशर्स। स्कल क्रशर्स की पोजीशन क्या रहेगी, इसको हम चेयर पे तो कर सकते हैं बट जो हमारे बिगनर्स हैं चेयर पे बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो आप घर पर बैठ के सहारे, किसी भी बैठ के सहारे सब पकड़ के इजीली यूं करके आप होल्ड करके, पैर आपके बिल्कुल मिले होने चाहिए यहाँ पे बिल्कुल सीधे, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे स्लोली इंक्लाइन आना है नीचे और स्ट्रेच, जैसे हम जिम में ओवरहेड करते हैं ना, ऐसे ही है थोड़ा। तो ये बिगनर्स है हमारे, वो 10 से 12 रैप लगाएंगे, प्रैक्टिस हो जाए तो फिर 15 से 20 वही। तो ये स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 So ये थे हमारे स्कल क्रशर्स। आइए नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं हमारा। तो फोर्थ जो हमारा वर्कआउट होगा वो होंगे हमारे डबल एंड डंबल्स।
डबल एंड डंबल्स की जगह मैंने आपको बताया था, आप ईटे भी ले सकते हैं घर पर, करना कुछ नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। आपके हाथ बिल्कुल, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ आपके पूरे पीछे, और आपके एल्बो जो है कानों पर टच होनी चाहिए, और पूरे नीचे जाके आपको ऊपर ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है। इस तरीके 10 से 12 रेप लगाएंगे। ये स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो ये थे हमारे डबल एंड डंबल्स। आइए लास्ट वर्कआउट करते हैं हमारा। सो लास्ट जो हमारा फ्रेंड्स वर्कआउट होगा आज का, वो होंगे हमारे किकबैक। किकबैक में क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, पोजीशन क्या रहेगी हमारी। करना कुछ नहीं है, आपने अपनी बॉडी को जो है हल्का बेंड करना है, सीधा बिल्कुल, आपकी एल्बो हल्की पीछे होनी चाहिए। चाहे तो आप डबल हैंड से भी कर सकते हैं इसे, बट आप सिंगल हैंड करिए, बिगिनर्स हैं स्टार्टिंग में। जो हमारे करना आपने ये है कि आपकी हाथ आपके पूरे फोर आप पूरा पीछे जाना चाहिए आपका स्ट्रेच, ठीक है। सेम एज आपकी 10 रैप इससे लगाए, 10 रैप इससे लगाने। सो ये स्टार्ट करते हैं हमारा किक बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पीछे पूरा स्ट्रेच करना है फ्रेंड्स, 7, 8, 9। आप देख सकते हैं स्ट्रेचिंग ट्राइसेप्स की पूरी, 11, 12। सेम एज इट इज जो है सेकेंड हैंड से करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके हाथ बिल्कुल नहीं चाहिए, आपका फोर आर्म चलना चाहिए आपका, बस आपका जो है अपर बॉडी जो है वो नहीं हिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वर्कआउट खत्म होता है। ये थे हमारे आज के ट्राइसेप्स के वर्कआउट, इन्हें प्लीज घर में फॉलो करें और प्लीज बहुत ही सावधानी से फॉलो करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस। आई होप आप इन्हें फॉलो कर घर पर ही अपने ट्राइसेप्स को फ्लॉन्ट कर सकेंगे। बट दोस्तों ध्यान रहे, इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे ही बढ़ाएं, और एक्सरसाइज से पहले हमेशा वार्म अप जरूर करें फ्रेंड्स। वार्म अप और स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना वर्कआउट करते हमें कई बार झटका आ जाता है, फिर कहते हैं कि भाई हाथ दर्द हो गया, शोल्डर दर्द हो गया, बैक पेन हो गया। सो प्लीज एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमेशा वार्म अप करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करवाएं, कमेंट करवाएं, और आपको किसी वीडियो में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक घर पे रहिए, हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई टिप्स और एक्सरसाइज के साथ। तब तक घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे हेल्दी, नमस्ते।